यह है E20 पेट्रोल से चलने वाली 2023 मॉडल बजाज प्लैटिना 110 ABS। इस बाइक में टोटल 9 से 10 बदलाव हुए हैं जिनको देखकर आप बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और इस बाइक के फीचर्स और प्राइस को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि ये बाइक आपकी फैमिली की वो मेंबर है जो आपके पैसे बचाती है, साथ में आपको सेफ रखती है। अब इसमें आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये एयर सक्शन वाल्व इसमें लगा था, बिल्कुल नहीं लगा था। तो इस बाइक में जो टोटल 9 से 10 बदलाव हुए हैं, साथ में इसकी ऑन रोड प्राइस क्या है 2023 में BS6 फेस 2 अपडेट के बाद, साथ में माइलेज क्या है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं नई बजाज प्लैटिना 110 ABS के बारे में। तो बने रहें हमारी इस वीडियो के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस चैनल को बाइक वन बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले भाई हम इसके अपडेट से। अब यहाँ पर मैं आपको पहले बताना चाहूँगा जो OBD2 या फिर BS6 फेस 2 अपडेट आया हुआ है उसमें सभी बाइकों का E20 पेट्रोल से चलना अनिवार्य, साथ में प्रदूषण को ज़्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल करना अनिवार्य है। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे ये एयर सक्शन वाल्व लगाया गया है जो कि पहले नहीं था। तो एक बदलाव ये हो गया, यहाँ पर ये नई मशीन लगाई गई है, साथ में यहाँ पर ये वायरिंग, ये चोक सा आपको दिख रहा है, जबकि ये चोक नहीं है भाई, भ्रम में मत रहना। यहाँ पर ऊपर इसमें चोक, यहाँ पर ऊपर सफ़ेद सा, यहाँ पर ऊपर ऐसे है, ये वाला चोक इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर ये एयर सक्शन वाल्व, इसकी वायरिंग और इसके अलावा इस हेड को चेंज किया गया है। आप इधर से देखेंगे यहाँ पर इसके हेड को चेंज कर दिया गया है क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर एयर सक्शन वाल्व इसमें यहाँ पर आकर लगा हुआ है। तो इसकी वजह से भाई इस बाइक में हेड चेंज करना पड़ा, एयर सक्शन वाल्व चेंज करना पड़ा, साथ में उसकी वायरिंग को चेंज करना पड़ा, ECU को रीमैप करना पड़ा है। साथ में जो E20 पेट्रोल से चलेगी ये बाइक उसकी वजह से जैसे इसके जो कार्बोरेटर है, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर, उसको रीडिज़ाइन करना पड़ा जिससे वो E20 पेट्रोल से चल सके। साथ में इसकी जैसे हेड की पैकिंग हो गई या फिर रबड़ के पार्ट हो गए जो E20 पेट्रोल से बिल्कुल भी संपर्क में आने के बाद ख़राब ना हो, तो इसलिए इतने सारे बदलाव, ये टोटल 9 से 10 बदलाव हो चुके हैं। अब हम भाई बात करेंगे इसके फीचर्स की। सबसे पहले आप मॉडल और डिज़ाइन तो देख लो, आप इसको फ्रंट से देखेंगे भाई बाइक को, यहाँ पर इसमें हैलोजन बल्ब वाली हेडलाइट तो मिलती है लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर आपको DRL भी मिल जाते हैं जिससे अगर आप रात में चलाते हैं तो DRL अच्छे भी लगते हैं, साथ में आपको रोशनी भी बहुत बढ़िया देते हैं और कुछ लोग उसको घरों के कामों में भी यूज कर लेते हैं। साथ में आप मडगार्ड पर देखेंगे स्टिकर ग्रे कलर वाला लगा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे वही स्टिकर जो पहले आता था, लेकिन इंडिकेटर अगर आप देखेंगे तो ये प्रीमियम इंडिकेटर इस बाइक में आपको मिल जाते हैं। और राइट साइड से अगर आप देखेंगे भाई इस बाइक को तो देखिए एक लंबी चौड़ी बाइक आपको मिल जाती है, लंबी सीट आपको मिल जाती है। उधर से कम साफ दिख रहा होगा, थोड़ा पीछे से दिखाओ भाई। अगर आप पीछे से दिखाएंगे देखेंगे तो भाई इसमें वही रेगुलर मॉडल आ रहा है। BS6 फेस 2 अपडेट के लिए पूरी बाइक तो चेंज नहीं की जाएगी, वही बैकलाइट, वही इंडिकेटर, आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन भाई जब आप इसको लेफ्ट साइड से देखेंगे तो सबसे पहले तो आप देख लें एक लंबी सी सीट, और इसको कंफर्ट के लिए ही बनाया गया है जिससे इसके जो ये हैं कुशनिंग है ये बहुत ही सॉफ्ट हैं जिससे अगर आप बैठें या पिलियन कोई बैठे तो उनको बहुत आराम हो सके। और यहाँ पर सीट पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कम्फर्टेक, क्योंकि इसको कम्फर्टेक के लिए ही डिज़ाइन किया गया। और उसके लिए आप देखेंगे भाई स्पेशली यहाँ पर महिलाओं के पैर रखने की सुविधा बहुत अच्छी दी गई है, ये रबड़ भी बहुत ही सॉफ्ट है जिससे उनके पैरों में कोई दिक्कत ना आए। और यहाँ पर ये देखेंगे ये पुरुषों के पैर रखने के लिए, मतलब जेंट्स के पैर रखने के लिए भी बहुत लंबा चौड़ा दिया गया है जिससे अगर आप किसी को भी बैठाते हैं तो कोई प्रॉब्लम ना है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो गियर के पैडल पर भी यहाँ पर रबड़ दी गई है जिससे आप गियर लगाएं तो आपके जूतों में कोई भी दिक्कत ना आए, मतलब वो पुराने ना हो, ख़राब ना हो, तो इसके लिए भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिया गया है। और इसके अलावा भाई आप देखेंगे नाइट्रॉक सस्पेंशन दिया गया है, 110 सीसी की पहली ऐसी बाइक है जिसमें आपको नाइट्रॉक सस्पेंशन मिल जाता है। और अब आते हैं भाई ABS, इस बाइक में आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। ये पहली इंडिया की ऐसी बाइक है जिसमें आपको एंटी लॉक, यहाँ पर देखो आप लिखा हुआ है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अब कुछ लोग कहते हैं एंटी ब्रेकिंग सिस्टम हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, इस ब्रेकिंग सिस्टम को आप यहाँ पर देखेंगे लगा हुआ है। जैसे ये इसमें आपको डिस्क ब्रेक भी मिल जाती है इंडोरेंस कंपनी की। और उधर से दिखाओ ABS की प्लेट, यहाँ पर आप देखेंगे ये ABS की प्लेट लगी हुई है जिससे जब ये पहिया घूमता है तो यहाँ पर ये सेंसर लगा हुआ है भाई, और इस सेंसर की वजह से ये आपकी जैसे पहिए की स्पीड को नाप लेते हैं ये बाइक, जिससे अगर जब पहिए की स्पीड को नाप लेती है तो उसी हिसाब से आप इसमें जब ब्रेकिंग करते हैं, तो जैसे मान लीजिए इधर दिखाओ भाई, जब आप इसमें ब्रेक दबाते हैं
तो ये पहिए को नापता है। और इसके अलावा इसमें आप पीछे देखेंगे तो RLP प्लेट लगी हुई है, ये रियर लिफ्ट प्रोटेक्शन प्लेट इसमें लगी हुई है, यहाँ पर भी सेंसर इसमें लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है भाई कि जैसे कि अगर आप इसमें जब ब्रेकिंग करते हैं तो पहले ये सेंसर देखते हैं कि आपकी स्पीड क्या है, और इस उसके बाद ये आपकी ब्रेकिंग को अप्लाई करते हैं। मतलब पहले क्या होता है, नॉर्मल डिस्क ब्रेक बाइक में जब आप ब्रेक लगाते हैं तो उसमें सेंस नहीं होती है, जैसे आप ब्रेक लगाते हैं वो पहिया जाम कर देते हैं और आप फिर इधर उधर पड़ जाते हैं जाके। तो उस चीज़ को ना होने के लिए इसमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लगाया गया, जिससे आपका पहिया लॉक ना हो और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बिना डरे किसी भी कंडीशन में ब्रेकिंग कर सकते हैं। ये है बजाज प्लैटिना 110 cc, और इसमें मिलता है आपको ABS ब्रेकिंग सिस्टम। और यही नहीं भाई, इसमें इतने फीचर्स हैं ना, बताते बताते मैं थक जाता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर टैंक पैड भी दिया हुआ है। अब नॉर्मल अगर आप बेल्ट लगा के चलाते हैं, आपकी पैंट में बेल्ट लगी हुई है तो यहाँ पर स्क्रैच आ जाते हैं, तो ये लगे रहने से, ये जो लगा हुआ है इससे आपकी टैंक पर स्क्रैच नहीं आते, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसके अलावा भाई यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आपको डिजिटल और एनालॉग मीटर मिलता है, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे यहाँ पर ये चीज़ इसमें आपको बंद करने और ऑन ऑफ करने के लिए, और यहाँ पर सेल्फ की बटन है, यहाँ पर ये हाई बीम लो बीम है, इंडिकेटर हॉर्न, और यहाँ पर आपको पास की बटन मिल जाती है। अब इसके अलावा देखेंगे भाई डिजिटल और एनालॉग मीटर मिलता है, वाव। यहाँ पर आप देखेंगे गियर पोजीशन इंडिकेटर के साथ दो तीर बनी हुई है, मतलब गियर सजेशन इंडिकेटर मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे टाइम आपको बता रही है, फ्यूल मीटर है, ओडोमीटर है, इसके अलावा और ये ट्रिप मीटर भी आपको मिल रहा है, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो रीसेट करके जा सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक बार बंद करूंगा और इसको स्विच ऑन करूंगा, आप देखेंगे ये दोनों तीर हैं, इसका मतलब अगर आपकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, गियर कम रहेगा तो भी आपको सजेस्ट करेगी गियर कम करिए या ज़्यादा करिए, तो उसके लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। और एक बार मैं बंद करके फिर से ऑन कर देता हूँ, और आप देखेंगे सर्विस रिमाइंडर, लो बैटरी, सब कुछ इस बाइक में मिल जाता है। यहाँ पर आपको ओडोमीटर मिल जाता है। तो ये भाई इसमें बहुत ही गजब की सुविधा दी गई है। अब इसके अलावा इंजन देखेंगे तो पहले DTSI टेक्नोलॉजी आती थी, लेकिन अभी DTSI टेक्नोलॉजी नहीं आती है क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। इन्होंने जो पेट्रोल और हवा का मिश्रण था उसको बिल्कुल सही तरीके से कर दिया है, और अब आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि इसमें भाई ये एयर सक्शन वाल्व आने लगा है, सिंगल प्लग के साथ ये बाइक आती है, जो कि पहले से ही आ रही है क्योंकि ABS जो DTSI टेक्नोलॉजी हटा दी गई। और इस सबसे अच्छी बात भाई, इसमें आप देखेंगे H गियर लगा हुआ है, मतलब इसमें 5 गियर के साथ ये बाइक आती है, जो कि सबसे अच्छी बात है, और आपको 110 cc में 5 गियर नहीं मिलेंगे। और इंजन की बात करें तो 115.45 cc का एयर कूल 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन वाला का इंजन मिलता है, जिसमें आपको 8.6 HP की पावर मिलती है 7000 RPM पर, 9.81 Nm की टॉर्क मिलती है मात्र 5000 RPM पर, और 5 गियर इस बाइक में आपको मिल जाते हैं। और भाई आगे आपको 240 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है, और पीछे आपको ये देख लें 240 mm की डिस्क ब्रेक विथ ABS ब्रेकिंग सिस्टम के साथ मिलती है, और साथ में SB ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, मतलब दोनों ब्रेक एक साथ लगेंगी। और पीछे आपको 110 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है। और इस बाइक का वजन है 123 किलोग्राम, इस बाइक का वजन है भाई 123 किलोग्राम, तो चलने में हल्की बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। और भाई सबसे अच्छी बात, इसका ग्राउंड क्लियरेंस, ये नीचे वाला जो आप देख रहे हैं, ये नीचे वाला, ये वाला, तो ये भाई 200 mm का है भाई। भाई आपको मैं बता दूं कि आप किसी भी कंडीशन में किसी रोड पर चलाएंगे तो नीचे से टच बिल्कुल भी नहीं होगा। और 807 mm इसकी सीट हाइट है, बैठ के दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है, मेरे पैर एकदम आराम से पहुंच रहे हैं, कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये सबसे अच्छी बात इस बाइक की कही जाएगी कि सीट हाइट नॉर्मल राइडर भी चला सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करके आपको पहले लाइट दिखाता हूँ, लाइट दिखाओ भाई, DRL ऑन है, अब बंद नहीं, नहीं अब और ज़्यादा ठीक है। और इधर से आके साउंड सुनाओ भाई, एक मिनट मैं खड़ी कर देता हूँ। मैं एक बार बंद करके आपको फिर से दिखाता हूँ, वन टच स्टार्ट है ये गाड़ी। और टायर भी आप देख लें भाई, ट्यूबलेस टायर इस बाइक में JK टायर मिल रहे हैं, JK टायर इज टोटल कंट्रोल, 8017 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। इधर आप आगे देखेंगे तो भाई 8017 का आपको आगे भी टायर मिल जाता है, पीछे वाला एक बार फिर से देख दिखाओ, 8017 का, 8017 का आगे और पीछे भाई आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, जिससे आपकी बाइक माइलेज दे सके। तो अगर मैं लास्ट में एक बार में आपको इसके फीचर्स बताऊं तो भाई इतने फीचर्स हैं ना कि मज़ा आ जाता है, और प्राइस इतनी कम कीमत में बजाज कंपनी के अलावा कोई भी नहीं दे सकता है। सबसे पहले लंबी सीट, नाइट्रॉक्स मोनो सस्पेंशन, कंफर्ट के लिए आपको
आगे और पीछे अच्छे सस्पेंशन, साथ में सबको बैठने के लिए भी बहुत अच्छे कंफर्ट तरीके से इसको बनाया गया है। LED DRL मिलते हैं, डिजिटल और एनालॉग मीटर मिलता है जिसमें गियर पोजिशन इंडिकेटर टाइम सब कुछ ये बाइक आपको बताती है। और सबसे बड़ा फीचर्स 110 सीसी में ABS ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है जो आपको सिर्फ 150 सीसी बाइक में मिलता है, किसी 110 या फिर 125 सीसी बाइक में नहीं मिलता है। अब आप पूछोगे यार प्राइस बताओ इसकी, तो भाई इसकी प्राइस है 2023 की लगभग 90,000 से 91,000 रुपये। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो उसमें मैंने आपको बताया था 89,000 की ये बाइक ऑन रोड प्राइस में अयोध्या उत्तर प्रदेश में मिल रही थी। लेकिन अभी जैसे BS6 फेस टू अपडेट के साथ हो सकता है ये बाइक 90,000 से 91,000 मतलब 90,000 से 91,000 तक ये बाइक ऑन रोड प्राइस में मिल सकती है। अब आप पूछोगे माइलेज बताओ, क्योंकि आपने कहा था पैसे बचाएगी, भाई इसकी जो माइलेज है ना वो 60 प्लस है, जैसा आप चलाओगे वैसे माइलेज मिलेगी। और खास करके गियर सजेशन इंडिकेटर को अगर आप ध्यान में रख के चलाओगे तो 60 प्लस 60 65 70 के 70 तक माइलेज मिल सकती है। अगर आप सही चलाएंगे तो आप 60 से 70 के बीच की माइलेज मानकर चल सकते हैं। तो इतनी कम कीमत में जहां पर स्प्लेंडर प्लस एक्सट्रेक 93,000 से 94,000 की मिल रही है, वहां पर बजाज प्लेटिना मिल रही है मात्र 90,000 से 91,000 रुपए में विथ ABS ब्रेकिंग सिस्टम, नाइट्रॉक सस्पेंशन, ट्यूबलेस टायर, डिजिटल और एनालॉग मीटर विथ DRL, सब कुछ मिल रहा है इस बाइक में। तो इसमें जो अपडेट हुई, जो इसकी प्राइस थी, माइलेज थी, मैंने आपको क्लियर सारी जानकारी दी है। अब आपको यह बाइक कैसी लगी दोस्तों, आप लोग अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।